दोस्तों रोहित शर्मा के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बीसीसीआई से गलती हुई है या फिर नहीं, वीवीएस लक्ष्मण सही बोल रहे हैं या फिर गलत। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया वनडे सीरीज गंवा चुकी है, इसकी बड़ी वजह टीम के साथ रोहित शर्मा का ना होना भी है। आईपीएल 2020 के दौरान टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ था जिसमें रोहित शर्मा को अनफिट बताकर टीम में नहीं चुना गया, लेकिन टीम चयन के बाद रोहित शर्मा आईपीएल 2020 के फाइनल में भी खेले और अर्धशतक लगाकर मुंबई को पांचवी बार चैंपियन भी बनाया। बता दें कि रोहित शर्मा को टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में मौका दिया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के क्वारंटाइन नियमों के हिसाब से ये खिलाड़ी पहले दो टेस्ट में नहीं खेल पाएगा। रोहित शर्मा के मुद्दे पर बीसीसीआई की जमकर किरकिरी हुई है और अब पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर ने भी बोर्ड को आड़े हाथों लिया है। वीवीएस लक्ष्मण ने बातचीत में कहा है कि रोहित शर्मा के मुद्दे पर बीसीसीआई ने गलती कर दी है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को टीम के साथ ही भेजना चाहिए था, मैं उनका टीम में सिलेक्शन करता और नाम के आगे लिखता फिट होने पर खेलेंगे। अब आप रोहित शर्मा को कमर्शियल फ्लाइट के साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे तो वहां के नियमों के मुताबिक रूम के बाहर ही नहीं आ सकते, ये बात बीसीसीआई को सोचनी चाहिए थी। वही पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी कहा है कि रोहित शर्मा का मुद्दा आसानी से सुलझाया जा सकता था। उन्होंने कहा बहुत आसान तरीका था, ज़्यादा लोगों को मीटिंग में रखने की ज़रूरत ही नहीं थी, हेड फिजियो चीफ सेलेक्टर और हेड कोच के बीच ही सही तालमेल हो तो सब सही रहेगा, विराट कोहली को शास्त्री सारी अपडेट दे ही देते। तो दोस्तों अब मैदान में रोहित शर्मा के लिए वीवीएस लक्ष्मण भी उतर आए हैं, गौतम गंभीर तो पहले से ही थे, अब देखना ये होगा कि रोहित शर्मा टेस्ट मैच में खेल पाते हैं या फिर नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको क्या लगता है।